आओ बच्चों, आज हम कक्षा 10 के ज्यामिति से एक छोटा सा प्रमेय प्रमाणित करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अपनी अपनी किताबें अपने पास रख लो, पहले सुन लो, देख लो, उसके बाद किताबें खोलना तो समझने में सुविधा होगी। प्रमेय है सातवां अध्याय का वृत्तस्थ चतुर्भुज संबंधी प्रमेय, ठीक है? प्रमेय 37, और इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। एक बार फिर से सुन लो, प्रमेय 37, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इस प्रमेय को प्रमाणित करने से पहले हमें पहले छोटी छोटी बातों का स्मरण करना चाहिए। जैसे पिछले पाठों में हम लोग पढ़ चुके हैं वृत्तस्थ के किसी भी वृत्त के केंद्र कोण और परिधि कोण में जो संपर्क है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का दोगुना होता है, ये पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार सुन लो, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। इसके अलावा सरल कोण के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने हुए कोण सरल कोण होता है, अर्थात 180 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का भी ज्ञान होना चाहिए। अर्धवृत्त होता है वृत्त को यदि हम लोग व्यास से एक व्यास खींच दें तो वृत्त दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो उस अवस्था में वृत्त को अर्धवृत्त कहा जाता है। और समकोण के बारे में तो आप लोग जानते हैं, समकोण है 90 डिग्री का कोण। चलो बच्चों, अब हम प्रमेय को प्रमाणित करेंगे, ठीक है? प्रमेय प्रमाणित करने से पहले फिर एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। प्रमेय 37, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। प्रमेय प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हमें एक वृत्त का निर्माण करना होगा। वृत्त को हम लोग कंपास की सहायता से बनाते हैं। मैं तो पेन से ही बना रही हूँ, तुम लोग पेंसिल से बनाना, ठीक है? पेंसिल से बनाना। वृत्त का केंद्र बिंदु है O। एक व्यास खींचते हैं AB। AB व्यास खींचने के पश्चात वृत्त दो भागों में बट गया, दोनों तरफ आधा आधा। ऊपर का हिस्सा भी अर्धवृत्त, नीचे का हिस्सा भी अर्धवृत्त। अब ऊपरी हिस्से के अर्धवृत्त में हम लोग एक बिंदु लेते हैं C। AC को मिलाएंगे और BC को भी मिलाएंगे। मिलाने के पश्चात हम लोग पाते हैं कि ACB एक कोण और AOB एक कोण। निचले हिस्से में एक बिंदु लेते हैं P। तो हमारा ये APB चाप है। APB चाप पर AOB केंद्र पर का कोण है और ACB परिधि पर का कोण है, यानी अर्धवृत्त पर बने हुए वृत्त के परिधि पर स्थित होने के कारण इसको हम परिधि पर का कोण भी कहते हैं। तो चलो इसे हम लिखते हैं भाषा में। दिया है O केंद्र वाले वृत्त में ACB कोण, ACB अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है? अब हमें प्रमाणित करना है कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री या समकोण, ठीक है? अब हम अगला कदम प्रमाण। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त पर O केंद्र वाले वृत्त में सॉरी APB
चाँप का चिन्ह है। एपीबी चाँप पर निर्मित सम्मुख केंद्र पर का कोण, ओ केंद्र वाले वृत्त में एपीबी चाप पर निर्मित सम्मुख केंद्र पर का चाप, ये एपीबी चाप है और ये सम्मुख केंद्र पर का कोण हमारा ये है कोण ए ओ बी। फिर एपीबी चाप पर ही निर्मित निर्मित सम्मुख परिधि पर का कोण, सम्मुख परिधि पर का कोण, सम्मुख पर एपीबी चाप पर ही ए सी बी ये परिधि पर का कोण है, ए सी बी है। हम लोग पिछले प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि किसी भी चाप पर निर्मित केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, ये बात हमें मेंशन करना होगा। किसी भी वृत्त के चाप पर निर्मित निर्मित केंद्र पर का कोण कोण सम्मुख परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। दो गुना होता है, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये हम लोग पिछले प्रमेय में पढ़ चुके हैं। किसी भी वृत्त के चाप पर निर्मित केंद्र पर का कोण सम्मुख परिधि पर के कोण का दो गुना होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी ये केंद्र पर का कोण है, दुगुना है परिधि पर के कोण ए सी बी, ए सी बी दो गुना, या हम लोग लिख सकते हैं टू ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी, या टू ए सी बी बराबर 180 डिग्री, चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है। मैं पहले ही बता चुकी हूं किसी भी सरल रेखा के किसी बिंदु पर निर्मित कोण का मान 180 डिग्री होता है, वो सरल कोण है, अर्थात इसीलिए कोण ए सी बी बराबर 180 डिवाइडेड बाय 2 काटेंगे 90 डिग्री आया, 90 डिग्री अर्थात समकोण। इस प्रकार कोण ए सी बी का मान हम लोग पाते हैं समकोण, जो हमें प्रमेय में प्रमाणित करना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो हमारा प्रमेय प्रमाणित हुआ। ठीक है।